दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन बॉस चैनल को और दबाइए इस नोटिफिकेशन बेल को। जीके, संस्कृत और करंट इश्यूज के हर टॉपिक्स, हर टेक्निक्स और हर टिप्स आपको मिलेंगी सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। दोस्तों हम प्रत्यय पढ़ रहे हैं। प्रत्यय के बारे में मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, जिसको आप बड़े गौर से सुने और ध्यान से देखें। देखो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ प्रत्यय की, क्या कोई भी आप वीडियो उठा के देख लो, उसको लास्ट तक देखना जरूरी है। कारण कि कई बार क्या होता है, पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीजें दिमाग से मिस हो जाती हैं, तो उनको मैं लास्ट में कवर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, मेरा वीडियो आप देखेंगे यत्र नेत और क्या प्रत्यय वाला। अब इन तीनों प्रत्ययों में क्या होता है कि लास्ट में यही बचता है। तो अब आपसे कोई पूछे कि फला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आप ये देख करके अगर डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि इसमें ये प्रत्यय है, तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तीनों में ये बच रहा है। तो मैंने ये बारीक पहचान प्रत्यय के जो ये वीडियो है उसके लास्ट में बताई हुई है कि यत्र नेत और क्यप जो प्रत्यय हैं, उसमें लास्ट में जाकर के बताया है कि इन तीनों में यह होने के बावजूद आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्रत्यय है। इसी प्रकार मैं और आने वाले प्रत्ययों में भी आपको ये जानकारी देता रहूंगा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रत्यय में अमूमन लास्ट में जाकर के गिने चुने शब्द ही बचते हैं। अगर हम उनसे प्रत्ययों को करने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे, है ना। हमें फंसना नहीं है, बस इसी जो एग्जामिनर की चाल है इससे हमें निकलना है। तो इसके लिए आप देखते रहिए मेरे वीडियोस को। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्रत्यय में देखेंगे दोस्तों नवुल प्रत्यय, ठीक है ना। कौन सा प्रत्यय? नवुल, ठीक है ना। मैंने आपको पिछले वीडियो में देखना एक त्रच प्रत्यय पढ़ाया था, उसमें सूत्र था नवुल त्रचौ, नवुल ये सूत्र था, ठीक है, नवुल त्रचौ। तो उसका त्रच प्रत्यय में पढ़ा चुका था, इसका ता शेष बचता है, ध्यान होगा। अब हम पढ़ेंगे केवल नवुल प्रत्यय, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी चीज देखो, एक तो ये कर्तार्थ में होता है। कब होता है? कर्तार्थ में, यानी कि ये हमें कर्ता के बारे में बताएगा। अब नवुल में जो है क्या बचता है शेष? इसमें अक शेष बचता है। अब ये अक कहां से आया? मैंने कहा था संस्कृत में क्या सूत्र बहुत होते हैं, लगते रहते हैं और चीजें चेंज होती रहती है। तो नवुल में क्या होता है, ने और ले की तो इत्संज्ञा हो जाती है, ने और ले की तो इत्संज्ञा हो जाती है, ये दोनों हट जाते हैं। अब बचता है बू, ठीक है ना, बू। तो भी जो ने और ले की इत्संज्ञा हो गई तो बू बचना चाहिए था, लेकिन बचता है अक। तो ये क्या कहता है कि एक सूत्र आता है युगोर नाम कौ। सूत्र कौन सा आता है? युगोर ना कौ। ये सूत्र कहता है कि बू के स्थान पर अक आदेश हो जाता है, तो ऐसे के ऐसे बू हट जाएगा और ऐसे की ऐसे अक आ जाएगा, तो नवुल प्रत्यय का हमेशा अक ही रूप आपको नजर आएगा। दूसरी चीज में सबसे बड़ी चीज क्या है कि इसमें एक तो वृद्धि कार्य होता है। देखो ये वृद्धि कार्य, गुण कार्य जो चीजें है ना, इन्हीं जब प्रत्यय पकड़ में आएंगे, ध्यान रखना। लास्ट में जो चीज बचती है वो तो क्या होता है, कई बार कुछ प्रत्ययों में सेम चलती है, ठीक है। तो दो चीजें, एक तो ध्यान रखना कि एक तो अंत में क्या बचता है प्रत्यय के, तो अंत में जैसे इसमें बच रहा है अक, दूसरी बात कहां वृद्धि हो रही है, कहां गुण हो रहा है, तो ये बात भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है कि वृद्धि कार्य भी हो जाएगा, अच्छा, और वृद्धि कार्य के साथ साथ क्या होगा इसमें, गुण कार्य भी होगा। तो ये ऐसा प्रत्यय है नवुल प्रत्यय, महान कंफ्यूजन करने वाला प्रत्यय, जहां अक तो बचेगा लेकिन वृद्धि भी होगी और गुण भी होगा, अतः कहीं तो इसकी वृद्धि होगी कहीं ये गुण कर देगा। अब कुछ इसके उदाहरण देख लो, नवुल प्रत्यय के कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, वो उदाहरण जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं और इससे आपको ये प्रत्यय भी समझ में आ जाएगा। ये सबसे पहला उदाहरण, सबसे पसंदीदा उदाहरण सभी का, पट प्लस नवुल। तो सीधी सी बात है, नवुल की जगह तो अक बचता ही है, अपन सब जानते हैं, है ना, नवुल की जगह अक बचता है, तो पट का रूप बन जाएगा क्या प्रत्यय लगाने पर? पाठक है, हम सभी पाठक ही तो हैं, ठीक है ना, जो पढ़ता है वो पाठक है। अब इस प्रकार आप रूप बना लो, बद का बाधक है, पच का पाचक है, इस तरह से रूप इसके बन जाएंगे। एक चीज देखो, एक रूप है उद, ठीक है ना, उद का क्या बनता है? पद। तो उद और पद, एग्जाम में पूछेगा उद प्लस नवुल,
तो क्या बनाओगे आप? उद प्लस नवुल लगा के उद्दक तो बनेगा नहीं, है ना, तो इसमें पद आ जाता है, ध्यान रखना, जुड़ जाता है ये, है ना। तो अब इसमें उद में नवुल प्रत्यय लगाएंगे तो रूप क्या बनेगा? उत्पादक है, ठीक है ना भाई। इसमें वृद्धि कार्य भी तो होता है, मैंने बताया था ना, वृद्धि कार्य भी होता है और गुण भी होता है, तो यहां भी तो वृद्धि चल रही है। उत ये देखो आ वृद्धि हो गई है, पा में पहने आ गया, वहां भी वृद्धि हो गई है, तो ये वृद्धि भी करता है। तो उत प्लस नवुल प्रत्यय रूप बनेगा उत्पादक है, ठीक है ना। अब देखो इस तरह डी रूप बनेगा, नवुल प्रत्यय लगाएंगे इसमें अपन, तो रूप बनेगा डा ये के, तो इस प्रकार इसके रूप बनेंगे। अब कुछ विशेष रूप आप देख लो, है ना, वो रूप जो ये तो मैंने उदाहरण देने के लिए बताया, समझाने के लिए बताया, कुछ जो बार बार एग्जाम में आते हैं, जैसे पा है ना, निरक्षर में होता है ना पा, तो रूप बनेगा इसका पा लगे। अब इसमें ले आया बीच में, ठीक है, तो ये रट लेना आप इस तरह के उदाहरण, क्योंकि इस तरह के उदाहरण पूछता है जो कुछ अलग हटके होते हैं, आपको लगेगा बहुत जैसे हैं, तो कुछ अलग हटके उदाहरण है। पा में कहीं भी ले नहीं दिख रहा है, लेकिन अब तो अपने को दिख ही रहा है, तो पा का रूप बनेगा नवुल प्रत्यय लगने के बाद पा लगे, ठीक है। अच्छा, इसी प्रकार द रूप बनेगा दायक है, है ना, इसमें भी देखो ये आ गया, ठीक है ना। स्था रूप बनेगा स्थापक है ना, ये थे थन वाला है, स्थापक है रूप बनेगा स्थापक है। ऐसे ही व रूप बनेगा वा जे के वाजक है। हन ये जरूर देख लो भाई, हन सबसे अलग है, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसका रूप बनेगा गा ते के, और ये ऐसा उदाहरण है जो बार बार एग्जाम में आता है, बार बार पूछता है। हन का नवुल प्रत्यय लगा के रूप बनेगा घातक, या पूछेगा घातक में कौन सा प्रत्यय है, तो देखो अकार है लास्ट में, विसर्ग भी आएगा, तो रूप बनेगा इसमें प्रत्यय हो गया इसमें नवुल प्रत्यय। अब कुछ इसके अपवाद भी हैं, है ना, अपवाद देखने से पहले अपन देखेंगे इसके गुण वाले उदाहरण, इसमें वृद्धि भी होती है गुण भी होती है ना। तो मुद प्लस नवुल प्रत्यय है ना, इसमें मैंने कहा था वो गुण भी होता है, तो रूप बनेगा मोदक है ना, मोदक सबको पसंद होता है, यानी लड्डू, मोदक है रूप बनेगा, ठीक है ना। इसी प्रकार आप देखो कृत, कृत का रूप क्या बनेगा, ये भी गुण है प्लस नवुल कर्तक है ना, कृत का रूप बनेगा कर्तक है, ठीक है ना, रिको अर हो गया, रूप बन जाएगा इसका कर, ये इसका यहां गुणी हुआ है। दृश्य ये वाला दृश्य देख लो भाई, दृश्य प्लस नवुल रूप बनेगा दर्शक है, तो समझ में आ गया होगा दर्शक कहां से आते हैं, दर्शक इस दृश्य और नवुल से मिलकर के दर्शक आते हैं, और पाठक भी पट प्लस नवुल से मिलकर के ही आते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा अपवाद, ठीक है ना, नवुल प्रत्यय में अपवाद, अपवाद यानी जो थोड़े से अलग होते हैं, जिसमें क्या वृद्धि नहीं होती, जैसे जनक जैन है प्लस नवुल, ठीक है। अब मैंने बताया था आपको नवुल में वृद्धि भी होती है और गुण भी होता है, तो गुण तो यहां दिख नहीं रहा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जहां हम गुण संधि करें, गुण संधि समझने के लिए आप मेरे पिछले वीडियोस को देख लेना, संधि में मैंने बता रखा है गुण कैसे होता है क्या होता है, यहां नहीं बताऊंगा, है ना। तो यहां इसकी वृद्धि होनी थी, गुण तो बनी, लेकिन अपवाद है, तो इसमें जन्मे जनक नहीं बनेगा रूप, जन्मे रूप बनेगा जनक है, ठीक है। ये उदाहरण देखो अपने आप में महत्वपूर्ण है, चार उदाहरण बताऊंगा, चारों बहुत महत्वपूर्ण है, जन यम, ठीक है ना, गम और एक उदाहरण बद, ठीक है, चारों उदाहरण देख लो। नवुल प्रत्यय लगाएंगे तो रूप जन का रूप बना है, नवुल प्रत्यय लगने से जनक है, यम का यमक है, यमक अलंकार है, अलंकारों में पढ़ेंगे अपन, डिमांड कर रहे हैं कि अलंकार पढ़ाओ, लेकिन अभी पढ़ाना संभव नहीं होगा। यम से नवुल प्रत्यय लगाएंगे तो उदाहरण बनेगा यमक है, गम से उदाहरण लगाएंगे तो गामक ही बनेगा, ठीक है ना, ये गमक ही बनेगा, है ना, रूप बनेगा गमक है, वृद्धि नहीं हुई यहां पे, वृद्धि होनी चाहिए थी, ये उदाहरण इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहां वृद्धि होनी चाहिए थी, लेकिन यहां वृद्धि का निषेध किया गया है, तो नवुल प्रत्यय लगाने से जन का जनक, यम का यमक, गम का गमक और बद का रूप बनेगा बदक। तो इस प्रकार ये चारों उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, आप इनको अच्छी तरीके से देख लेना, नवुल प्रत्यय नवुल त्रिचौ प्रत्यय के साथ ही होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही,
ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो अपने दोस्तों को शेयर करें, इसे लाइक करें, और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से होगा ये कि हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा, आपके पास वो जानकारी सबसे पहले पहुंचेगी और इसका तुरंत आप लाभ उठाएं। और अगले जो भी वीडियो हम लोगों ने बनाए हैं उनको आप देखते रहिए, क्योंकि उन वीडियोस में बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो आपको आगे बढ़ाने में, कंपटीशन को फाइट करने में, आपको सक्सेस करने में काफी मददगार साबित होगी। दोस्तों जल्दी ही हम आपको मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।